लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात आपके लिए और हमारे लिए एक ऐतिहासिक रात होने वाली है। आज जो कारनामा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस कारनामे को अंजाम देने के लिए आ रही है बाप बेटी की जोड़ी, तो तालियों से स्वागत कीजिए शिशिर और जिया का। ये लोग हवाई करतब दिखाएंगे बगैर इस नेट के। सर्कस में जो कर्तव्य जितना ज्यादा जोखिम भरा हो, जितना ज्यादा मुश्किल हो, उसे उतना ही शानदार समझा जाता है और देखने वालों को भी उसमें उतना ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन बगैर जाल बिछाए ट्रापीज यानी हवाई कलाबाजी का यह कर्तव्य बेशक बेहद ही खतरनाक था, और बाप बेटी की यह जोड़ी तो इसके रोमांच को कई और गुना बढ़ा देती थी। बाप बेटी होने के साथ साथ ये दोनों बेहद मंझे हुए कलाबाज भी थे, और कभी भी 200% निश्चिंत हुए बगैर ये दोनों इस कर्तव्य को कभी नहीं करते थे। तो फिर आज ये चूक कैसे हो गई? क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कुछ और ही था? हाय पापा। क्या बात है बेटा, अब तक सोई नहीं? कितना पढ़ोगे? सुबह जल्दी उठना है, प्रैक्टिस के लिए जाना है, याद है? हाँ पापा, बस ये लास्ट चैप्टर खत्म करके सो जाऊंगी। बेटा इतना देर तक जागने से थकान होती है, कंसंट्रेशन नहीं रहता, और हमारे काम में कंसंट्रेशन कितना जरूरी है जानती हूँ। पापा मैं जानती हूँ, पर अभी मेरे लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन, और उससे भी ज्यादा जरूरी है वो स्कॉलरशिप। पापा ये मेरा सपना है। बेटा सब ठीक हो जाएगा, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा, सब ठीक हो जाएगा। ओके मैं चेंज करके आता हूँ। जिया तुम्हारे लिए लेटर आया है। लेटर? हाँ। वाओ, उतारो मुझे। ये लो। चिट्ठी। हाँ। हे भगवान, प्लीज मुझे कॉलेज में एडमिशन और स्कॉलरशिप दिला देना। ये जल्दी खोल के देखो ना, क्या लिखा है? खोल रही हूँ बाबा। ये जल्दी कम फास्ट। कॉलेज से लेटर आया है। क्या लिखा है जिया? अच्छा जिया क्या लिखा है जिया? अरे पढ़ रही हूँ जिया। आगे क्या लिखा जिया? चुप चुप के क्या पढ़ रहे हो? सबके सामने पढ़ के सुनाओ। हमारी जिया सिलेक्ट हो गई है। फिर भाई आगे क्या लिखा है?
एडमिशन तो हो गई है पर स्कॉलरशिप नामंजूर हो गई। क्या? जिया जिया सुनो जिया, क्या हुआ जिया? इतनी सी बात के लिए तुम मुंह लटका के बैठी हो? तुम फेल नहीं हुई हो, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या फायदा पापा, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी मैं वहाँ नहीं पढ़ पाऊंगी, आप जानते हैं ना कितना महंगा है। अगर कॉलेज की फीस और हॉस्टल को ही जोड़े तो 10 लाख से ज्यादा होंगे, कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? अगर स्कॉलरशिप मिल जाती तो okay. फीस जमा करने में अभी भी 2 हफ्ते बाकी है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुमने इतनी मेहनत की है और एक बात याद रखना, तेरा पापा तेरे सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। ओके कमान 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 कमान, चेयर अप चेयर अप चेयर अप, या दैट्स लाइक। शिशिर जिया की फीस का कोई इंतजाम हुआ? नहीं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अब तक कोई कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ शिशिर, पुराने दिन होते ना तो 10 में से कम 5 की मदद तो मैं कर ही देता। हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी क्या बातें कर रहे हो यार, जिया मेरी भी बेटी जैसी है, मुझे भी उसकी फिक्र है। तो फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ, मेरे मरने के बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कैसी बातें कर रहा है यार तू, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोले जा रहा। मरने मारने की बात कहां से आ गई? मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा। शिशिर शिशिर रिलैक्स यार। बस ये लो भाई। Yes. कुछ समझ में नहीं आ रहा है रामा, स्कॉलरशिप नहीं मिलने की खबर से जिया कुछ बुझ सी गई है। यार एक बात बता, ये स्कॉलरशिप के बगैर क्या खर्चा कितना है? कम से कम 10 लाख। बहुत बड़ी रकम है यार, तूने कुछ सोचा है इंतजाम कैसे करेगा तू? जीते जी तो नहीं कर सकता, हाँ शायद मरने के बाद। क्या बात कर रहा है यार, तू बोल क्या रहा है? मैं समझा नहीं कुछ, मतलब क्या तेरा? मतलब ये कि अगर शो के वक्त मेरी जान चली जाती है तो जिया को इंश्योरेंस कंपनी से कम 12 लाख मिल सकते हैं। इसके अलावा इतनी जल्दी छोटी सी भी रकम मेरे लिए नामुमकिन सी बात। तेरी बात तेरी ठीक है, लेकिन शिशिर तू परेशान मत हो, तूने इस बारे में बहुत से बात की थी, वही हमदर्दी की बात है। पहले की बात होती तो हो भी सकता, अब तो हालात ऐसे है। शिशिर सब ठीक होगा, तू परेशान मत हो। चल चेयर अपना चेयर्स। इंतजाम हुआ? नहीं। परेशान मत हो सिशिर, जल्दी कुछ ना कुछ जरूर। शो के बाद रात को मैं बात करता हूँ, ठीक है?
कॉलेज सुबह कुछ हुआ? अब तक तो कुछ भी नहीं। जिया ऐसे गुमसुम मत बैठो ना, प्लीज हंसो ना। तुम नहीं हंसोगे तो फिर पूरा सर्कस उदास हो जाएगा। हंसो ना जिया। जिया कब तक उदास रहोगे? तुम्हें पता है जब तुम नहीं मुस्कुराती हो ना ये पूरा सर्कस उदास रहता है, और जब तुम मुस्कुराती हो ना ये पूरा सर्कस हंसता है। देखो इस पूरे सर्कस की तुम जान हो जिया, प्लीज जिया हंसो ना, प्लीज। सब लोग तो बोल रहे हैं सही, मुस्कुरा दो ना, प्लीज जिया, प्लीज यार। अच्छा परफॉर्म करना। कुछ हुआ क्या पैसों का? नहीं यार अब तक कुछ नहीं हुआ। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। क्यों कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी मैं वहां नहीं पढ़ पाऊंगी? आप जानते हैं ना कितना महंगा है। फीस जमा करने में अभी भी 2 हफ्ते बाकी है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कहां से लाएंगे हम इतना पैसा? अगर स्कॉलरशिप मिल जाती तो तेरा पापा तेरे सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। तुम्हारी फीस का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। अरे 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 क्या बात है भाई, क्या बात है जिया, इतना खुश नजर आ रही हो। मेरी फीस का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। भाई भाई पार्टी तो बनती है। दिन भर घंटों अपने कर्तव्यों का रियाज करने वाले सर्कस के कलाबाजों को किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। ऐसे में सर्कस की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाना जिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जिया के पिता शिशिर जो अब तक उसकी फीस का बंदोबस्त ना कर पाने की वजह से बेहद परेशान थे, अचानक मुस्कुराने क्यों लगे? आखिर फीस के पैसों का बंदोबस्त करने के लिए शिशिर ने ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया था? पापा? क्या बात है बेटा, अब तक सोई नहीं? बस अभी सोने ही जा रही थी। आप कहाँ थे और ये क्या है? ये क्या है, कब आया? इसका जिक्र गलती से भी किसी के सामने मत करना। अब जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अब पापा आपने कहा था कि फीस का इंतजाम हो जाएगा, पर कैसे? सरप्राइज तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब जाओ और अपने कॉलेज के सपने देखो। ओके ओके पापा, गुड नाइट। जेंटलमैन, सब्र रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज आप निराश नहीं होंगे। आज की रात आपके लिए और हमारे लिए एक ऐतिहासिक रात होने वाली है। आज तक आपने हमारे सभी कारनामों को देखा है, सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज
आज जो कारनामा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारी सर्कस जीसी सर्कस का सबसे हैरतअंगेज कारनामा। नहीं बस बस अब बहुत हो गया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो बेजुबान है तो क्या हुआ, आखिर उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं इस तरह उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना इख्तियार करना पड़े। पापा आप यहाँ हो, सब वहां आपको ढूंढ रहे हैं, शो का टाइम हो गया, पापा जल्दी करो। बस एक कॉल। पापा आप भूल गए सर्कस की गोल्डन रूल, आपने ही मुझे सिखाया था, चाहे कुछ भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन। अब चलो जल्दी प्लीज। यस द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। और जल्दी करो, मेरे शो का वक्त हो गया, शो के बाद रात को मैं बात करता हूँ, ठीक है, ओके चलो। और इस कारनामे को अंजाम देने के लिए आ रही है आपकी हमारी सबकी फेवरेट जोड़ी, बाप बेटी की जोड़ी, तो तालियों से स्वागत कीजिए शिशिर और जिया का। आज जो आप देखने जा रहे हैं वो आपने पहले कहीं नहीं कभी भी नहीं देखा होगा। ये लोग हवाई करतब दिखाएंगे बगैर इस नेट के। Over to you guys. या कमान कमान जी, या कमान यस या। कैसे हुआ है एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट नहीं है सर। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब ये है कि शिशिर ने खुदकुशी की। ये क्या बोल रहे हैं आप? पापा कभी खुदकुशी नहीं कर सकते थे, कल वो इतने खुश थे, मुझे सरप्राइज देने वाले थे। यही तो सरप्राइज था जी। आप, मैं सालों से शिशिर के साथ परफॉर्म कर रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि वो कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता, तो वो भी तब जब वो तुम्हारे साथ परफॉर्म कर रहा था। नेवर ही सैक्रिफाइस। पैसों की कमी पूरी नहीं हो पाई इसलिए उसने, काश मेरे पास। कहना क्या चाहते हैं आप? बुरे दिन सर, सर्कस के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल सर्कस बंद हो ही जाएगा। आधे से ज्यादा शोज खाली जाते हैं, उसके ऊपर सारे क्रू को संभालना, उनकी तनख्वाहें देना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने कई बार सोचा कि इस सर्कस को बेच दूं, लेकिन फिर सबके हुनर को देखता हूँ तो, और ये लोग तो फिर भी अपना दुख दर्द बांट लेते हैं, लेकिन मेरे जानवर, बेजुबान जानवर, बोल भी नहीं सकते, आधा पेट खाकर परफॉर्म करते हैं। कुछ को तो अजीब अजीब सी बीमारियां हो गई हैं, खासकर हाथियों को। और ऐसे हालात में मैंने अपने सबसे अच्छे ट्रेपीज आर्टिस्ट को खो दिया, अपने दोस्त को खो दिया,
अब इस सर्कस को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता सर, कोई नहीं। संभालिए आपने आपको, लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि शिशिर ने खुदकुशी की है? इंस्पेक्टर साहब, शिशिर शिशिर जिया की एडमिशन फीस को लेकर बहुत दिनों से परेशान था। उसे 10 लाख रुपयों की जरूरत, और एक सर्कस में काम करने वाले के लिए इतनी बड़ी रकम जमा कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, उसकी 12 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी, जो उसके मरने के बाद जिया को मिलती। सर, शिशिर एक बेहतरीन आर्टिस्ट ही नहीं, एक बहुत अच्छा पिता भी था। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, ऐसी रिपोर्ट बनाइएगा कि जिया को शिशिर की इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिलने में जरा भी दिक्कत ना हो, नहीं तो उसका बलिदान बेकार चला जाएगा। सर, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको इंश्योरेंस का पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। आज से 3 दिन पहले हमारी सर्कस का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। शिशिर, शिशिर हमेशा हमारी यादों में रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के शो से पहले हम सब मिलकर शिशिर को, इस महान आर्टिस्ट को मिलकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमेशा कहा करता था कि द शो मस्ट गो ऑन, शिशिर की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज के शो के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं हमारे नए ट्रपीज आर्टिस्ट एहसान को। ये एहसान है, बड़ी मुश्किल से मैं इनको इस शो के लिए राजी कर पाया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर इनके साथ कोऑपरेट करें और इस शो को सक्सेस बनाएं। थैंक यू। लेकिन एहसान इतना जल्दी आया कैसे? फ्लाइट से आया, कोई प्रॉब्लम है? चलिए शो के लिए निकलते हैं, अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आ जाओ। ये हैं जिया। हेलो। शिशिर जी की बेटी। और जिया, ये अतुल जी हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस हैं। बहुत बुरा लगा आपके फादर के बारे में सुनकर। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन शायद ये चेक ही आपके कुछ काम आए। ये 12 लाख रुपए का चेक है। हेलो, चाहिए मुझे ये चेक, खून से सना है ये चेक, मेरे पापा के खून से। नहीं चाहिए मुझे ये चेक, नहीं चाहिए। जिया, जिया बात सुनो, जिया जिया, जिया ले जिया, चुप हो जाओ जिया,
जिया मत रो। जिया बेटा, सही क्या है गलत क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है जी, तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया है, तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है, मैंने मारा है उन्हें, मैं गुनहगार हूं, मैंने अपने सारे सपने उन पे थोप दिए। सही कहा तुमने, तुम जिम्मेदार हो, तुम गुनहगार हो उनकी आत्मा को तड़पाने के लिए, उनके सपने को अधूरा छोड़ देने के लिए, वो सपना जिसको पूरा होते देखने की चाह में आखिरी समय में भी उसकी आंखें खुली रही, उस सपने को तोड़ देना चाहती हो जिया। अगर तुम्हें अपने पापा को खो देने का सचमुच में इतना कम है, अगर सचमुच उनकी आत्मा को शांति देना चाहती हो तो उनके सपने को पूरा करो जिया। हम सब में सिर्फ तुम हो जिसमें इतनी क्षमता है जो इस सर्कस के बाहर जाकर भी अपना नाम कमा सके। बिल्कुल सही जिया, बॉस बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तुम्हारे पापा ने सिर्फ तुम्हारे लिए, अब उनके इस अधूरे सपने को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अरे कुछ कर दिखाना, जिंदगी में आगे बढ़ना। जिया यू हैव टू डू इट, मुझे मालूम है तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं जिया, हमारे शिशिर के सपने को मरने मत दो, पूरा करो उसको, उसे पूरा करो बेटा, उसे पूरा करो। जिया जिया, तुम्हारी याद बहुत आएगी, तुम्हारे बिना सुर का सुना सुना हो जाएगा। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी जिया। अच्छे से पढ़ना, मिलने का कोशिश करना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम लोगों से टच में रहूंगी। जिया, तुम्हें हम सब मिस करेंगे, सबसे ज्यादा मिस मैं करूंगा, क्योंकि सर्कस में तुम्हारे अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो क्या हो गया, मैं हर छुट्टियों में तुमसे मिलने आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। जिया, क्या तुम एडी से नहीं मिलोगी? अरे हाँ, वो कहाँ है? यहीं पे होंगे कहीं, चलो देखते हैं। अच्छा, मैं एडी अंकल से मिल के आती हूँ। ओके चल। मेहरबान कदरदान, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और अब मैं आप सबसे पूछता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा शेर दिल जवान हो जो जाए इस मंच पर, वो नौजवान जिसका दिल मेरे शेर जैसा हो, और यहां आके मेरे शेर के चपड़े में अपना सर रखे। अरे मैं पूछ रहा हूं, आप में से है कोई ऐसा नौजवान? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कोई नहीं आएगा अब, ना यहां कोई शेर है और ना ही कदरदान।
सही कहा तुमने जिया, बिल्कुल सच कहा। सब खत्म, कोई नहीं है यहां, साला सब खत्म, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। देखो देखो मेरी तरफ जिया, क्या से क्या हो गया हूं मैं, कहां से कहां आ गया। और कुछ सीखा भी तो नहीं था जिंदगी में, रिंग मास्टर था, हाथ में हंटर लेके ये इस ऑडियंस के सामने हाथ में हंटर लेके आगे पीछे घुमाता था शेरों को मैं। देखो मेरी तरफ, ये हालत है मेरी, साला यहीं पैदा हुआ था और यहीं मर जाऊंगा सड़ सड़ के। नहीं अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, जान है तो जहान है, और आप तो फिर भी जिंदा है। मेरे पापा, नाम मत लो अपने पापा का, बेवकूफ था, अक्कल नहीं थी उसे, पागल था तुम्हारा बाप। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मरने को उसे, मर के चला गया। कितने पैसे चाहिए उसे? 10 लाख ना, सिर्फ 10 लाख। 20 लाख रुपए मिले उसे, पूरे 20 लाख। फिर क्या जरूरत थी इंश्योरेंस के 12 लाख रुपए के लिए मरने, और वो भी जिया सिर्फ तुम्हारे लिए। 20 लाख पर कैसे? जमीन से। तुम्हारे बाप ने अपने गांव की जमीन बेच डाली है। जमीन? जानती हो क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए बेच दी जमीन उसने। पापा ने जमीन बेच दी और मुझे बताया भी नहीं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए, ऐसा क्यों किया उन्होंने, जबकि पैसों का इंतजाम तो हो गया था, फिर आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने शुरू होने जा रहा है हमारे सर्कस का सबसे हैरतअंगेज करतब। तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इन होनहार आर्टिस्ट का। जिया, जिया, सब ठीक है ना? तुम गई क्यों नहीं? वो एक्चुअली मेरे कॉलेज स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त है, तो मुझे लगा कि जब तक सर्कस शिफ्ट नहीं हो जाता है मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है, शाबाश। जिया, बॉस मुझसे भी पूछ रहे थे कि जो स्टंट तुम अपने पापा के साथ किया करती थी वो एहसान के साथ भी करोगी? जी आप प्लीज कुछ तो बोलो। नहीं, अब हिम्मत नहीं होती है, अब शायद मैं वो स्टंट कभी नहीं कर पाऊंगी। समझ सकता हूं। ठीक है, मैं राजवीर से बात करूंगा। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं, मेरे एक्ट का टाइम हो गया। यू टेक केयर।
शंकर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था जिया। कुछ पता चला जिया? कुछ भी पता नहीं चला। कौन बताएगा मुझे कि आखिर पापा ने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे पापा के मरने से पहले तुम्हें कभी ऐसा लगा हो जो कुछ अजीब हो? अजीब तो कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट पापा बहुत खुश थे। मुझे सरप्राइज। पापा? क्या बात है बेटा, अब तक सोई नहीं? बस अभी सोने ही जा रही थी। आप कहाँ थे? और ये क्या है? ये क्या है? कब आया? कहाँ था? इसका जिक्र गलती से भी किसी के सामने मत करना, ओके? क्या? एक मिनट, याद आया। उस रात पापा काफी लेट लौटे थे और लौटते ही उन्होंने अपने बक्से में कुछ रखा था, पर जब मैंने उनसे पूछा तो वो घबरा गए थे। क्या रखे थे बक्से में? चलो। क्या लिखा है जिया? अपॉइंटमेंट लेटर है पापा के नाम का। किसी स्पोर्ट्स क्लब से आया है अपॉइंटमेंट लेटर।